तो ये गाइस आज के दौरे में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 9 सोशल साइंस का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन या फिर कह लो मिड टर्म एग्जामिनेशन या फिर कह लो सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ठीक है। उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि डीबी पब्लिक स्कूल बीआर जोन बी का क्वेश्चन पेपर है जो कि 2024-25 का एक क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ना। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। ये जो टेलीग्राम चैनल इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से जाकर आप लोग इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल अगर हम लोग इस क्वेश्चन पेपर की बात करें तो ये क्लास 9 का जो सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है हम लोग इसका सोल्यूशन वीडियो भी लाने वाले हैं, ठीक है, इसी चैनल के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसका क्वेश्चन पेपर अपलोड करेंगे, ठीक है, एंड इसके नेक्स्ट 2-3 डेज में ही हम लोग इसका सोल्यूशन भी ले आएंगे। बट उसके लिए छोटा सा लाइक एम आपके लिए मैं रख रहा हूँ जो कि सिर्फ 200 लाइक एम का टारगेट है, ठीक है। तो उसको जैसे ही पूरा कर दोगे मैं इसका फटाक से सोल्यूशन वीडियो, अब देखो बन तो लगभग गया है, उसको बस अपलोड करना है, ठीक है। तो 200 लाइक एम का टारगेट है, उसको जैसे ही पूरा कर दोगे इसका जो सोल्यूशन वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। सो उसके लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर देना, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो को अर्ली एक्सेस कर लिया है, ठीक है, मींस एग्जाम से 2-3 हफ्ता पहले लगभग एक्सेस कर लिया है तो ठीक है। अगर आप लोग एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले देख रहे हो, ठीक है, सो हो सकता है किसका सॉल्यूशन वीडियो अपलोडेड हो, तो एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। अगर अपलोडेड होगा तो उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहां से भी एक बार जाकर चेकआउट कर लेना। फिलहाल अभी हम लोग वीडियो का इंट्रो लगाते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे, जो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए गाइस यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग इस क्वेश्चन पेपर का मार्किंग पैटर्न के बारे में बात करें तो ये जो है सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो उसमें आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेटेस्ट जो सिलेबस है उसी के आपको यहाँ पे हिसाब से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। सो क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपका जो क्लास 9 है वो बेस होता है, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करते हो तो उसका जो बेस बिल्डिंग होता है वो क्लास 9 ही होता है, ठीक है। तो जरूर से जरूर क्लास 9 को कम से कम अच्छा से पढ़ लेना, तभी आपको क्लास 10 अच्छा से समझ में आएगा और आने वाले जो क्लास है वो भी अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग इस क्वेश्चन पेपर का बात करें तो इसमें टोटल 36 क्वेश्चन है, ठीक है, 36 क्वेश्चन है जहां पे 1 से लेकर 20 तक जो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि आपका सेक्शन ए में आ जाएगा, ठीक है। टोटल 4 सेक्शन है यहाँ पे और 1 से 20 तक जो क्वेश्चन है वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। एंड उसके बाद जो है गाइस 21 से लेकर 28 तक, ठीक है, 21 से लेकर 28 तक वो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद 29 से 34 तक आपका टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका जो टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपका टोटल 5 क्वेश्चन पूछा गया है, मीन 25 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपका सिर्फ 5 मार्क्स कंटेनिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट है, जरूर से कुछ ना कुछ लिख के आना, ठीक है। एंड उसके बाद जो आपका 35 से 36 क्वेश्चन है, मीन जो आपका 2 क्वेश्चन होने वाला है वो आपका मैप स्किल्स क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। 2 यहाँ पे मैप स्किल होंगे, 1 हिस्ट्री का होगा सिंपली और 1 जियोग्राफी का होगा, ठीक है। सो 2 ही आते हैं मैप स्किल, मैप वर्क जो आते हैं हिस्ट्री और जियोग्राफी से रिलेटेड, ठीक है। तो इन दोनों को मैप वर्क अच्छा से पढ़ के जाना। हम मिलते हैं आपको इस वीडियो की एंड में। Call me like a Hellcat. तो गाइस यहाँ पे हम लोग का वीडियो जो है लगभग खत्म होने को है, ठीक है। यहाँ पे मेरा काम भी गाइस खत्म होता है, बस आपका काम यहाँ पे शुरू होता है। 200 लाइक एम का टारगेट, उसको फटाक से अपलोड कर दो ताकि आपको इसका जो सोल्यूशन वीडियो है जल्दी से जल्दी यूट्यूब पे देखने को मिले, ठीक है। अब देखो मैं वीडियो जानबूझ के छोटा बनाता हूँ, इससे नुकसान तो मेरा ही होता है बट आप लोग का फायदा होता है, इसलिए मैं जो है ट्राई करता हूँ वीडियो को सबसे ज़्यादा कम लेंथ का बनाने का, ठीक है। नहीं तो चाहूँ तो 1-2 घंटा का वीडियो बना सकता हूँ सोल्यूशन लेके, ठीक है, बट मैं उसको भी ट्राई करूँगा कि 1/2 घंटा से कम में आपका जितना भी सोल्यूशन है सब हो जाए, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे वीडियो एंड होता है, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखना, मिलते हैं उस वीडियो में। टिल देन जय हिंद जय भारत।